जिनको जो योगाभ्यास का प्रोटोकॉल बताया हुआ है, अपना योगाभ्यास का, योग का पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना है। अब प्राणायाम में सबसे ज्यादा हम कपालभाति अनुलोम विलोम को कराते हैं। उसकी रीजनिंग भी है, उसके रिजल्ट हैं, उसका पूरा का पूरा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। चल यात्रा शुरू भस्त्रिका से करते हैं। करो सर, भस्त्रिका से शक्ति का अर्जन, हमारे भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। मैं सैकड़ों तरह की साधना पद्धतियों को जानता हूं और उसमें काफी की मैंने खुद प्रैक्टिस की है, काफी साधना पद्धतियों का खुद अभ्यास किया है, सैकड़ों प्रकार के साधना पद्धतियां हैं। लेकिन इनका जो कि जो मूल सिद्धांत है ना, मूल साधन, सिद्धांत तो थोड़ा बड़ा शब्द हो जाता है, साधन माने जिसको करना है। सिद्धांत तो कई बार फिलोसफी फिलोसफी लोग मान लेते हैं, मूल सिद्धांत एक। इसलिए मैंने कई बार भजन में भी गाया है, अपने सत्संग में भी समझाया है, श्रद्धा की पराकाष्ठा, अतिरेक, गुरु में, भगवान में, अपने साधन में, अपने कर्म में पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो सा। करते रहिए, साधन चलता रहना चाहिए। आस्था अचल ही माचल सी हो, आस्था अचल ही माचल सी हो। आस्था की पराकाष्ठा, विश्वास की, भक्ति की, समर्पण की पराकाष्ठा, अभीप्सा, त्याग और समर्पण। इसलिए मुक्ति के तीन मार्ग कहे हैं, एस्पिरेशन, अनकंडीशनल सरेंडर एंड रिजेक्शन। जो भी गुरु से, भगवान से, सत्य से, स्वास्थ्य से, सफलता से, विजय से, जीवन में जो हमारा आत्म स्वरूप से, उससे जो हमें हटाते हैं, उन चीजों को हटा दो। रिजेक्शन अशुभ का, एस्पिरेशन अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा का, आत्मदर्शन का, प्रभु दर्शन का एस्पिरेशन। अभीप्सा, तितिक्षा, इसको मुमुक्षत्व भी कहा है। वैसे चार शब्दों में भी बोलते हैं तो विवेक और वैराग्य। विवेक माने सत असत का, शुभ अशुभ का, अच्छे बुरे का बोध, और फिर अच्छे बुरे का बोध हो जाए तो बुरी चीजों से हट जाना और अच्छी चीज में लग जाना। बुरी चीज से हटने को वैराग्य बोलते हैं। राग भगवान से, गुरु से, वैराग्य बुरी चीजों से। शमदम ऊपर अति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, षटक संपत्ति इसको बोलते हैं, दैवी संपत्ति भी बोलते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय सपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांत्यर्पयिष्यूनम दया भूति शुलुलुप्तम मार्दवम वीरचापनम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहनाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट्क संपत्ति। मुमुक्ष, अभीप्सा, त्याग, समर्पण, आस्था, अखंड, अटल निष्ठा, योग में, गुरु में, भगवान में, अपने संकल्प में पूरी दृढ़ता। आस्था अचल ही माचल सी हो, आस्था अचल ही माचल सी हो, धृत स्थित नीति धरणी जैसे हो, धृत स्थित नीति
धरणी जैसी हो। मति निरमल सुर सरिता सिहु, मति निरमल सुर सरिता सिहु, सुर भीत नटव नगरिया साधन रख हो साधक भैया साधन साधक भैया। लंबे लंबे श्वास चलते रहे, रुकना नहीं, अपनी साधना अखंड रहे। मैंने कई बार ये शब्द प्रयोग किया हुआ है, अखंड प्रचंड साधना, अखंड भक्ति। योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, अपने साधन में, अपने संकल्प में, अपने संबंध में, संबंध निष्ठा, गुरु निष्ठा, भगवान में निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा, आत्मनिष्ठा, स्वरूप में प्रतिष्ठा, स्वरूप निष्ठा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, संसार के झंझावात होंगे, आंधी और तूफान आएंगे, उनके बीच में तुम्हें घबराना है। दंति देव सा करुण हृदय हो, दंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया हो, तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया। एक एक क्षण का संयम, सजगता, जागरूकता। योजागारतम ऋचः कामयन्ति, योजागारतम सामानियन्ति, योजागारतमयम् सोमाह तवाहम् अस्मि सख्ये न्योका। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। सदा सजगता, जागरूकता, एक एक क्षण अपने आप को उभारना है, कभी गिरना नहीं है। उद्यानम ते पुरुष नावय, अरे मनुष्य, भगवान कह रहे मैंने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया, ऊंचा उठने के लिए बनाया, इसलिए एक एक क्षण उभारते जाओ अपने आप, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। जीवन में सब विधि संयम, जीवन में सब विधि संयम, जग ही तरत तव तन मन धन हो, जग ही तरत तव तन मन, क्षम दम उद्यम चरणाशय, क्षम दम उद्यम चरणाशय, पकड़ प्रभु की भैया हो, पकड़ गुरु की भैया साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन भैया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया। साधना और साधन हमारा छूटना नहीं चाहिए। लंबा लंबा श्वास लिया, 5 से 10 मिनट, असाध्य रोगों में आर्थराइटिस है, अस्थमा है, कैंसर है, ऑटोमेन डिजीज है, तो 10 मिनट तक करना, कम से कम 5 मिनट सबको करना। अब कपालभाति,
एक क्षण का विश्राम नहीं, निरंतर चलती रहे साधना। अब सुनो जरा, इस साधना से क्या क्या मिलेगा। देखो बाकी छोटी छोटी तत्वों से सहयोग लेना, आपको मूल साधन है योग का। इसलिए मैं सबसे पहला साधन योग ही कहता हूं, और जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं सब योग है। Each and every action of our life is yoga. ये सारा जो कुछ हमारे जीवन में निष्पादित हो रहा है सब योग है। अब मैं एक एक करके छोटी छोटी बीमारियों से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करता हूँ। किसी किसी को एक साथ पांच पांच दस दस बीमारियां हैं। तो पहले जो एक दो बड़ी बीमारी है ना, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, उनको पहले पकड़ लो। आप में से ऐसे ऐसे भी रोग हैं जिनको पांच पांच दस दस बड़ी बीमारी है, तो पहले उन बीमारियों को पकड़ो जिससे कि लीवर खत्म हो सकता है, किडनी खत्म हो सकती है, हार्ट खराब हो सकता है, कैंसर है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को पहले पकड़ो, बाकी चीज़ों की चिंता मत करो। गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये बीपी है, शुगर है, ये तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो ये तो आप जब आप सही रास्ते पर आ जाते हो तो अपने आप ही नीचे चली जाती है। लीवर बहुत गड़बड़ है तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा के जो जो उपचार बता रखे उनको करो। फिर हम उनको लिवोग्रीट और लिवामृत देते हैं। बाकी छोटी छोटी दूसरी चीजें उनको भूल जाओ। अब किसी को लीवर के फंक्शंस में, जिसमें किसी को हेपेटाइटिस हो गया, अब ये लाइफ थ्रेटनिंग है। किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग है। किसी को फैटी लिवर, और वो भी एक्यूट अवस्था में आ जाता, तो लोगों को मरते हुए मैंने देखा। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उनको बोलते हैं जो आदमी को मौत के आगोश में सुला देती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस। कुछ कहते हैं जी तो थोड़े साइलेंट पड़े रहते हैं। अरे कब उपद्रव हो जाएगा, एक सप्ताह में ही। फिर ऐसा चक्रव्यूह चलता है, ऐसा संक्रमण इनका बढ़ता है, फिर काबू से बाहर हो जाती चीजें। उसके लिए फिर हजारों लाखों करोड़ों रुपए की दवाई लेनी पड़ती है। 3 से 5 करोड़ रुपए की दवाइयां तो खाली इसी में खर्च हो जाती है, खाली इनको कंट्रोल करने में। अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक लीवर की प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ साथ सामान्य भी रूप से पेट गड़बड़ रहता है, तो कुछ आपको दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि 5-10 सालों से आपको भूख ही ठीक से नहीं लग रही है, तो थोड़ी देर ले लो। अब किसी किसी को कोलाइटिस बहुत भयंकर है। अब कोलाइटिस के काफी रोग हैं। अब कोलाइटिस का भी जब प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं तो ऑटोमेन डिजीज है, अब काबू में नहीं आएगी। आप में से कोलाइटिस वाले कितने पेशेंट हैं यहाँ जिनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है? शौच, यूरिन नहीं, यूरिन वाली अलग प्रॉब्लम है, शौच, टट्टी बार बार जाना पड़ता है, लैट्रिन, हाथ उठाना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 लोग हैं अभी। हाथ नीचे कर लो, ये बिल्कुल भी बड़ी बीमारी नहीं। मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूँ छोटी छोटी, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। रोज अनार का प्रयोग करना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा अनार से भी किसी किसी को। अब देखो अनार के भी प्रयोग 3 बताता हूं। अनार का जूस पियेंगे तो 90% लोगों को अनुकूल नहीं पड़ता। बीमारी की तो बात छोड़ो, मैं भी जूस पी लूं, मैं अनार खा सकता हूं, दो तीन अनार खा सकता हूं एक ही बार में। लेकिन मैं यदि 1 कप जूस पी लूं अनार का, तो 5 मिनट बाद ही मेरे को एसिडिटी और उल्टी और बुरा हाल हो जाता है। तो भाई ऐसा काम क्यों करना? इसका मतलब यह है कि अनार को कभी भी जूस का तो मैं समर्थक ही नहीं हूं। वैसे जिन चीजों का जूस पीना हो, इमरजेंसी में पीना चाहिए, उसका जो लुगदी होती है, जो उसका फाइबर होता है, उसमें भी। अब जैसे लौकी का जूस की बजाय आजकल मैंने सूप पर क्यों जोर दे रखा है,
जब अपने को कोई चीजें पता लगती है, मैंने पता लगा कि उसकी जो लुगदी है उसके अंदर तो डायबिटीज को, हार्ट की प्रॉब्लम को, एसिडिटी को, पेट की और दूसरी बीमारियों को कंट्रोल करने वाले बहुत से फाइटोकेमिकल्स हैं जो उसके पेस्ट उसमें रह जाते हैं, लुगदी में, पेस्ट में रह जाते हैं, तो क्यों उसको फेंकना भाई। तो आजकल मैंने जूस के ऊपर कम जोर दे रखा है, सूप के ऊपर ज़्यादा जोर दे रखा है। लेकिन अब किसी किसी को उपचार की दृष्टि से कभी कभी जूस भी पिलाना पड़े तो पिलाते हैं, वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। रूल ये है आप अनार पूरा खाओ, और उसमें भी रूल ये है कि आप पूरा चबा चबा करके खाओ। लेकिन पूरा चबाने में भी गड़बड़ है, हार्ड होते हैं थोड़े से उसके दाने ना, अब आजकल तो सॉफ्ट वाला ही मिलता है, वही आपको खिलाते भी हैं। लेकिन वो उतने भी दाने यदि किसी को कोलाइटिस वाले को चले जाते हैं तो उसको ब्लीडिंग कर देते हैं, वो अंदर जा करके घिसते हैं हाथों से, 32 फीट लंबी यात्रा करनी पड़ती है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे अब उसमें से वो दाने खिसकते खिसकते थोड़ा सा भी, इतना बारीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चबाओ ना अनार के दाने को तो बादाम जैसा टेस्ट लगता है, लेकिन उतना चबाने में, एक बार चबाने में, उतना चबाने में कम से कम 3 से 5 मिनट का समय चाहिए। आदमी 5 मिनट में तो एक अनार पूरा चट कर जाता है। क्या निकाला है वो मिक्सी में पीसने में, फिर वो सलाइवा नहीं मिलता, आप ही तो सुनाते हो, सलाइवा कहाँ से लाओगे? तो अब आपके सिद्धांत की हानि हो रही है ना। तो तरीका नहीं ठीक है, अब आपको बता रहा हूं। अब देखो ये जो मुंह का सलाइवा है ना, ये डॉक्टर साहब भी खूब समझाते हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब आपको डॉक्टर साहब तो बताते ही, मैं भी इन सबका गुरु हूं। तो ये इनका भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। देखो नेचुरोपैथी में मुझसे ज्यादा इन्हीं का एक्सपीरियंस है, ये बात सही है। लेकिन मैं योग के साथ, आयुर्वेद के साथ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, आध्यात्मिक जो जीवन के पक्ष हैं, और फिर बहुत से एक्सपीरियंस हैं, वो भी मैंने भी किए हुए, इसलिए आपको हम संयुक्त रूप से ही बात बताते हैं। कोई मेरा और डॉक्टर नीरज जी का या डॉक्टर सलिल जी का या जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, कोई अलग अलग सत्य नहीं है, सत्य तो एक ही है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसका ये भी तरीका है कि पेस्ट भी करके ले सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका है, जिनको दांत नहीं उनको तो पेस्ट करके देना ही पड़ेगा, जिनके अब किसी किसी के तो दांतों में घुस जाता है, तो फिर 5 मिनट तो खुजाते रहते हैं, फिर खून निकालते रहते हैं, इधर घुस गया, इधर घुस गया, इधर घुस गया। और फिर घुसने के बाद तो बहुत पीड़ा होती है, तो वो भी कर लेना जैसा डॉक्टर नीरज जी बता रहे, लेकिन पेस्ट भी करके ले सकते, सबसे अच्छा तरीका है। दांत तो कम भी है ना, तो पपोल पपोल के ले लो, मसूड़ों से इसका वो निकल जाता है जूस इतना, और फिर उसका जो हार्ड पार्ट है, उस हार्ड पार्ट में अभी तक हमने कोई रिसर्च से कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा, लेकिन फाइबर तो है ही उसके अंदर, तो उतना फाइबर तो दूसरी चीज़ों से भी मिल जाए, तो बहुत अच्छे से चबा चबा करके और उसको ले लो। 2 चम्मच से लेकर के 1 कटोरी तक खाना है, किसी को ज़्यादा लेने से भी दस्त हो जाते हैं अनार से, तो थोड़ी मात्रा में लेना है। डॉक्टर साहब इधर आओ, आप सुधार करते रहना कहीं कहीं, आजा आजा आजा। अनार जो है कोलाइटिस के लिए, मैं 5-7 चीजें बता रहा हूं जो मैंने खुद अनुभव किए। एक तो यहां पर हमने नया प्रयोग शुरू किया और उसका रिजल्ट करीब करीब 90% अच्छा है, दूधी घास और संजीवनी का दे रहे हैं, और वो पहली बार प्रयोग किया हमने व्यापक तौर पर, यह गांव में हमारी माँ भी करती थी और गांव के बुजुर्ग भी किया करते थे, मुझे कभी कोई दस्त आदि नहीं। लेकिन एक बार थोड़ा सा पता नहीं क्या कुछ खाने पीने में हुआ, तो बोले बेटा वैसे तो तू बहुत बड़ा वैद्य है, लेकिन देखो मैंने तेरे लिए दूधी घास भेज रही हूँ, उसको पी लेना जरूर। तो मैंने कहा चलो माँ पी ले, और सच्ची मैंने भी पिया। तो कोई खाने पीने में कोई ऐसी चीज़, कई बार जो है ना लोग भी गड़बड़ कर देते हैं, कोई साफ सफाई ठीक से नहीं करते, और उसमें अब एक दिन मैंने दूध देखा उसमें दुर्गंध आ रही, 2-3 बार गड़बड़ हुई थोड़ी ऐसी हल्की सी, तो मेरे को दूध में कैसे दुर्गंध आ सकती, तो पता लगा जो गाय को धोते हैं तो अच्छे से पानी से नहीं धोते, तो गाय को धोएंगे और उसमें नीचे यदि गोबर गाबर लगा हुआ है उसी में, मैं कह इसमें दूध में दुर्गंध कैसे आ रही है, तो सारी गायों को धुलाना शुरू किया, फिर अच्छे से धो,
विदेशों में तो दूध निकालने से पहले पूरी गाय को धोते हैं, पूरी गाय को धोते हैं, फिर मशीन से दूध निकालते हैं और ऐसा काम करते हैं। अब हमारे यहाँ तो हाथ से ही सारी चीज़ें चलती हैं इतनी ज़्यादा। एक बार मैं बनारस में था तो वहाँ पर भी ऐसे मैंने दूध पिया और जो है मैंने कहा मेरे को तो कभी दस्त लगते नहीं, हुआ क्या है? तो मैंने कहा कि दूध में किसी ने जहर जोर तो नहीं मिला दिया, क्योंकि महर्षि दयानंद को बहुत कार्यक्रम कर रखा है। बोले नहीं जी ये कार्यक्रम तो नहीं हुआ। तो फिर पता लगा वहाँ भी ऐसे यार लोग ठीक से धोते भी नहीं। आप देख रहे होंगे योगग्राम में आने के बाद ये पहली बार जो है एक भाई कोई आया था वो दान दे गया। मेरे नीचे जो बिछाते थे वो 10-15 साल से उसको धोया नहीं, इतने आलस्य की पराकाष्ठा में जीने वाले लोग भी मेरे साथ रहते हैं। तो उसका बाद में रिएक्शन हुआ एक दिन मेरे को, मैंने देखा ये गड़बड़ कैसे हुई। तो पता लगा उसमें 4 प्रकार के बहुत भयंकर जो जम्स हैं वो उसके अंदर मिले, जो आदमी को मतलब संभले नहीं तो राम राम सत भी हो सकता है, इतना भयंकर। अब छोटी छोटी चीजें घरों के अंदर, बहुत से लोग तो इसलिए बीमार है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई अपने वाली बात कोई इसलिए फिर वो तो चलो हटा दिया हमने। तो बहुत लोग घरों के अंदर 5-10 साल से दरी पड़ी हुई, बस उसके झाड़ झुड़ करके पैरों के नीचे, तो अरे पैरों के नीचे नहीं, वो पैर कभी उसमें कोई चीज गिरती है, कभी भी घर के अंदर। वैसे मैं तो विदेशों में भी जाता हूँ तो सब लोगों को बोलता हूँ वहाँ तो कारपेट बिछाने का, पतंजलि में मैंने कारपेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा हुआ है। ये जो कारपेट रखते हैं ना अमीर लोग, ये बड़ा खतरनाक होता है, उसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा प्रकार के खतरनाक जम्स होते हैं। वैसे सैनिटाइजर लगाएं, हर चीज सैनिटाइज करो सैनिटाइज करो। घरों में कारपेट बहुत खतरनाक है, घरों के पर्दे बड़े खतरनाक होते हैं, उनको झाड़ना पड़ता है। बहुत से लोग तो घरों में सुध ही नहीं रहती, कप अरे कारपेट और ये कालीन और इनकी तो बात छोड़ो, लोग तो कटोरी चम्मच तक ठीक से साफ नहीं करते, अंडर बियर ठीक से साफ नहीं करते। एक घर में मैं घुसा, देख करके लगा कि नर्क यहीं पर है, कहीं चम्मच कहीं कटोरी कहीं थाली कहीं अंडर बियर कहीं अंडर गारमेंट्स कहीं पता नहीं, चारों तरफ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। और एक घर में गया तो कमाल हो गया, 1 महीने के कपड़े पूरा, दरवाजा बंद कर लिया और मेरे चेले ही थे, बोले साहब जी कमरे में मत आना। मैंने कहा अब तो जरूर आऊंगा। भीतर जाकर के देखा तो ढेर पड़ा हुआ है, सड़ रहे हैं सर, सड़ाद मचा के रखते हैं। फिर कहते बीमार हो गए। मैं कोई किसी एक दिन से सुन रहा था, बोले लक्ष्मी किन के घर से भाग जाते, बोले जो रोज कपड़े साफ नहीं करते उनके घर से लक्ष्मी भाग जाते। हमारे वार त्योहार के दिन क्या करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं ना, होली दिवाली, और ये हमारे मुसलमान भाई भी चाहे और दिन जो है तो लथपथ रहते हैं, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई पेंचर लगा रहा है, कोई जो है कोई मशीन के काम कर रहा है, काले पीले का। और कुछ लोग तो इतने बावड़े हैं, ये हिंदुस्तान में कार्यक्रम होता है, एक ड्रेस ऐसी कि 10 साल तक वो ड्रेस को धोते ही नहीं, बोले इसमें साबुन लगेगी शैम्पू लगेगा पैसे खर्च होंगे। तो जो मशीनों पर काम करते हैं ना वो काले काले मोबाइल लगाए इधर उधर लगाए, वो घर से अच्छे से कपड़े पहन के आएंगे उनको रख देंगे और वो सब वही कपड़े पहन के फिर शुरू हो जाते हैं। क्यों करते हुए सब कार्यक्रम, इनसे बहुत बीमारियां होती हैं और वो बीमारियां छोटी छोटी होकर के आपको पूरा अंदर तक खराब कर देते हैं। तो चलो बीमारियों के बारे में ज्यादा बताना अभी मुझे, सफाई के बारे में तो तुम जानते हो, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां ये पेट की बीमारियां करती हैं, लिवर किडनी की बीमारियां करती हैं, लंग की बीमारियां करते हैं, ऑटोमेन डिजीज करती है, ये छोटे छोटे जम्स अंदर घुसते रहते हैं। तो घर में साफ सफाई खूब अच्छे से रखा करो, होली दिवाली नहीं, रोज सफाई होनी चाहिए घर के अंदर। ये तो शुक्र है मोदी जी का, पहला भारत को ऐसा प्रधानमंत्री बना जो स्वच्छता की भी बात करता है, वह सफाई रखो। लोग मजाक कितने उड़ाए लेकिन जो है बोले जो है मोदी जी 100 तरह की बातें करते हैं, ये अच्छी बातें हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है, साफ सफाई रखो अपना, साफ सफाई रखनी चाहिए।
कम से कम कपड़े रहने चाहिए घर के अंदर, ज्यादा कपड़े साफ सुथरे होते नहीं है। और कई बार तो जो पुराने कपड़े भी होते हैं ना, तय करके रख देते हैं और एक साल बाद निकाल के पहन लेते हैं। अभी कल की बात बताता हूं, हमारा भी जो एक जो है, मेरे पास भी बहुत तरह के जीव जंतु हैं, वो एक साल के बाद के कपड़े ला करके मेरे पास में रख गया, बोले स्वामी जी आप पहन लेना। मैंने उसको सूंघा तो दूर से फेंकना पड़ा। आजकल जो है, मैं पहले तो मैं ज्यादा थोड़ा ऐसे अनाड़ी पड़े में रहता था, आजकल देखने लग गए जम्स बड़े खतरनाक है। मैंने एक बार ऐसे सुना था कि हिटलर जो है पूरी दुनिया के किसी आदमी से नहीं डरता था, जम्स से बड़ा डरता था। आपने सुना होगा ये उसके जीवन का एक ज्ञात सत्य है कि हिटलर किसी से नहीं डरता था, जम्स से बड़ा डरता था। वैसे तो बचपन में क्योंकि वो नमी वाली जगहों में ऐसे में ही रहता था, हिटलर भी नेपोलियन भी दोनों बहुत गरीबी से निकल करके आए थे। कपाल भांति करते रहो पूरा, तो गंदगी में मत रहना, पेट की बीमारियों की जड़ है। तो चलो अनार से ऊपर आगे बढ़ते, जिनको कोलाइटिस है अनार का प्रयोग करो, बेल का प्रयोग करो, दही का प्रयोग करो, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप लोग ना इसको भी देखा करो, यहाँ कभी कभी दही भी खट्टा हो जाता है, और वो जो है खट्टा दही नहीं, हाँ अभी ठीक देते हैं। बहुत कम लोगों को दही देते हैं हम, यहाँ अर्थराइटिस वालों को नहीं देते दही, और अलग अलग बीमारियों बहुत कम लोगों को दही देते हैं, दूध देते हैं यहाँ पर हिसाब से। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही, केला, उसके साथ खिचड़ी या उसके साथ चावल, बहुत थोड़ी सी डाइट देते हैं उनको। कुटज घनबटी, अब देखो यहां कुछ कोलाइटिस वालों को फायदा हुआ है, कुछ को नहीं हुआ है, क्योंकि सारी चीजें ठीक से नहीं कर रहे हैं। कुटज घनबटी दो दो गोली खा लो, किसी को भूख पूरी लगती, किसी को भूख भी नहीं लगती, किसी को भूख पूरी लगती है खाते टॉयलेट जाते हैं, किसी को भूख भी नहीं लगती और टॉयलेट भी बार बार होता है, खाते टॉयलेट और भूख भी नहीं लगती। तो चित्र का आदिवटी साथ में देते हैं, भूख भी ना लगे तो चित्र का आदिवटी और कुटज घनवटी, नहीं तो खाली कुटज घनवटी से बात बन जाती है। और बहुत ही ज्यादा दस्त लगते हैं तो कुटजारिष्ट भी साथ में पिला देते, किसी को तो फिर वो गोली, और गोली जो है हमेशा फोड़ के खानी चाहिए। कोलाइटिस वालों को कोई भी दवाई सीधी नहीं सटकनी चाहिए, नीचे से ऊपर से दवाई खाते हैं टॉयलेट में गोली निकलती है सीधी, डाइजेस्ट ही नहीं होती है ना, डाइजेशन पावर ही नहीं है, तो गोली को चबा के खाया जाता है खास करके कोलाइटिस में। कुटज घनवटी, चित्रकादी वटी, बहुत ज्यादा है तो कुटजारिष्ट, बेल, और बेल का भी काढ़ा भी पिलाते हैं, बेल का चूर्ण भी खिलाते हैं, दही, ये सारी औषधियां उसके लिए, ये खाना नहीं उसकी औषधि है, और इसी को बोलते हैं आहारी औषधि है। दही, खिचड़ी, चावल और उसके अंदर केला, ये औषधि का काम करता है। केला पका हुआ रहना चाहिए, कच्चा केला नहीं। और कोशिश हम ये करते हैं कि यहाँ केला मंगा के रख लेते हैं और वो चितकी वाला केला हो जाता है ना, वो कच्चा केला एसिडिटी करता है, पका हुआ केला नहीं करता, वो एसिड को बढ़ाता है कच्चा केला। मसाले वाले केले आजकल आने लगे, छोड़ो। अब ये इतना कर लिया, दूध ही का और वो संजीवनी का घास का वो पिला दिया, थोड़ा पेट के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी भी रखते हैं, मिट्टी पट्टी भी रखते हैं। ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है, किसी किसी को शंख प्रक्षालन से लाभ हो जाता है, उसके जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी बैक्टीरिया वो निकल जाते हैं, लेकिन किसी किसी को शंख प्रक्षालन कराते ही नहीं, बहुत कमजोर होते उनको नहीं कराते, फिर उनकी सफाई तो उनको और उपवास तो उनको भी करना पड़ेगा, एक बार तो सफाई करनी पड़ेगी। अनहेल्दी बैक्टीरिया, देखो दो तरह के बैक्टीरिया है पेट में, अनहेल्दी और हेल्दी, सब जगह धरती में भी है, मित्र जीव और शत्रु जीव, ऐसे उनको संज्ञा दी जाती है। तो जो हेल्दी बैक्टीरिया वो रहने चाहिए, उसके लिए आजकल अलग अलग प्रकार के कौन कौन से दही आ गए, प्रोबायोटिक जो है ये आए इसी अंदर, और ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं। दही के अंदर जितने हेल्दी बैक्टीरिया है वो इसलिए उसको देते हैं, अनहेल्दी बैक्टीरिया उसके निकालने, इसके लिए उस शंख प्रक्षालन भी कराते हैं। शंख प्रक्षालन के लिए लायक नहीं है तो उनको बस्ती और एनिमा देते हैं। कुछ ऐसे कमजोर हैं उनको नहीं देना चाहिए, बहुत कमजोर हैं उनका तो हालत खराब हो जाएगी, पता लगा संघ प्रक्षण के बाद उठे ही नहीं पाए, इतने कमजोर हो जाते हैं। अभी कोलाइटिस में ये जो मैंने सारे उपाय बताए ये कितने कर रहे हैं,
जो सारे उपाय बताए, और सारे उपाय जो मैंने बताए वो एक बहन कर रही है, और अभी कोलाइटिस में एम्बेबाइसिस दो बहनें कर रही हैं। अच्छी बात है, दो तीन 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 ने हाथ उठाए, हाथ नीचे कर लो। अब कोलाइटिस में फायदा कितनों को हुआ है? एक दो तीन, तीन को फायदा हुआ है, बाकी को अभी पूरा फायदा नहीं हुआ है। जिनको फायदा हुआ एक बार खड़े होना। अब यही आपके बीच में ही है, और छोटे बच्चों को भी हो रही है। फिर ये इसी बीमारी को बाद में ऑटोमेन डिजीज कह दिया जाता है। ये भी ऑटोमेन डिजीज की श्रेणी में बड़ा भयंकर है ये। एक दो तीन को, चार को विशेष फायदा हुआ है, बाकी को अभी चल रहा है कार्यक्रम, कुछ नए भी होंगे। आपको कितने दिन होगी बहन? जा रही है। आई थी तो कितनी बार दस्त जाना पड़ता था? मैं कभी 16 बार, कभी 15 बार जाना पड़ता था। 15-16 बार दस्त नहीं होते थे, एक एक दो दो बूंद आव निकलती थी, आव निकलती, चिकना चिकना पदार्थ निकलता, आदमी ऐसे डर जाता है कि क्या कट कट के निकल रहा है। 15-16 बार जाना पड़ता। हाँ। कहाँ से आई हो? पौड़ी से। पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल। हाँ। से तो अब कितनी बार जाना पड़ रहा है? अब पेट सख्त है, दो तीन बार जाती हूँ पर पेट सख्त है। दो तीन बार जाती है अभी। और क्या क्या खा रही थी जो प्रयोग मैंने पूरी बताई, पूरी कर रही है? जी हाँ, खिचड़ी खा रही हूँ, दाल और सब्जी, और रोटी नहीं खाई। रोटी नहीं खाई। और ये जो कोटज घनवटी लिया? जी जी। और ये सब अनार भी लिया? हाँ अनार भी लिया। ठीक है, अब यही करते रहना थोड़े दिन। जी। पूरी ठीक हो जाएगी एक दो तीन महीने में, फिर सामान्य खाना खा लेना। जी, जी। और अनार मत छोड़ना कभी भी। जी। और थोड़े दिन 5-6 महीने तक ये कोटज घनवटी खाते रहना। जी। ठीक है, ये सबके लिए बता दिया है। अब उसको बेटे के पास में आओ। कुर्जा रेस्ट भी खा सकती हूँ समझ? ना कुर्ज एक ले लो या दोनों भी थोड़ी दिन ले सकती हो, फिर बाद में बंद कर देना कुर्जा रेस्ट। ये सारी सिंपल चीजें हैं, क्योंकि मैंने 4-5 बोतल खा ली पौड़ी से भी ली ने मैंने कुर्जा रेस्ट। अच्छा कोई बात नहीं, दोनों चीजें ले सकते हो थोड़ी थोड़ी, फिर बाद में बंद हो जाएगी। अनार सबसे बड़ी दवाई है इसकी, और दही खट्टा नहीं खाना बस। जी। सुबह 4 बजे जमाओ और 8 बजे खाओ, 8 बजे जमाओ 12 बजे खाओ, 12 बजे जमा के शाम को भी खा सकते हैं। जी। ये जो पेट वाले रोगी है, बाकी कुछ रात को दही मना करते। जी। ठीक है, खुश रहो। इस बेटे के प्रणाम, इस बेटे को देना। छोटे बच्चों को आजकल ये पेट की बीमारी होगी, इसलिए मैंने इसको पकड़ाया अभी आज शुरू में। मेरे पास से आते 12-12, 15-15 साल के बच्चे, और खून आता रहता है दस्त के साथ साथ, और ऐसे सूख करके कांटे और रखे, ये हालत होती है। गुरुजी ओम ओम बेटा। आराम आराम से करो, अनुलोम विलोम कर लो बीच बीच, और कपाल भाति जोर से मत करना, कोलाइटिस वाले। अब कोलाइटिस वाला यदि ऐसे कपाल भाति करेगा ना, ठीक ही नहीं हो सकता। अब बताओ, ऐसे करेगा तो ठीक होगा? बहुत धीरे धीरे, होले होले, आहिस्ते आहिस्ते। और ये कर लिया ना ऐसे, करते करते ही टॉयलेट होकर भागना पड़ेगा, वो ठीक ही नहीं हो सकता। अब बताओ, छोटी सी बात है। अब इतनी सी असावधानी होने से, दही यदि खट्टा खा लिया तो खाट में से नहीं उठ पाएगा, और कम खट्टा खाया तो ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों से आपके बीमारी में ऊंचा नीचा हो जाता है। बीमार आदमी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पहलवान आदमी के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता दुनिया में, ठीक है? कितनी अनाड़ी पड़े से काम करो। हाँ बेटा, अनुलोम विलोम करो, चलो। मेरे को ये 2018 में हुआ था। क्या नाम बेटा? शिवम। कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल, कैसे हुआ था ये? मैं कोटा में पढ़ता था, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, पढ़ाई का प्रेशर रहता था। ये स्ट्रेस से भी होता है, पढ़ाई का प्रेशर, खाने पीना ठीक मिलता नहीं, खाना पीना भी वहाँ पे ऐसे ही रहता था, मैस का खाना होता था। जी। तो अचानक से मेरे को बहुत पेट में दर्द होने लगा, और आँव भी आती थी। मैंने पहले तो सोचा ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। हाँ, बच्चों को पता ही नहीं लगता हो गया है। फिर वहाँ पे मैंने मम्मी जी को बुला लिया, फिर उन्होंने ही काफ़ी मेरी हेल्प की, खाना भी लौकी वगैरह खिचड़ी खिलाती थी। तो वहाँ पे जो पतंजलि का आरोग्य केंद्र है वहाँ से दवाई ली थी, तो उससे मेरे को काफ़ी आराम हुआ, और मैं लगातार योगा भी करता हूँ, और मैं ठीक हो गया था। लेकिन अब लॉकडाउन में फिर से घर आए तो घी दूध दही सब फिर से चालू कर दिया। ज्यादा खा लिया, घर का ही खाना खाया लेकिन ज्यादा खा लिया। घी इसमें जहर का काम करता है, अब सुनो, परहेज तो बताया नहीं था। घी एक बूंद भी नहीं खाना,
मैं घी खाने का बहुत समर्थक हूं, लेकिन एक बूंद भी घी नहीं खाना। एक बूंद घी खाओगे तो 100 ग्राम आव निकलेगी, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एक चम्मच दूध पियोगे तो 100 ग्राम आव निकलेगी। घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, चीनी को छूना भी नहीं, गुड़ भी नहीं खाना, मीठा खाना ही नहीं। नेचुरल जो थोड़ा बहुत स्वीट होता है, खजूर थोड़ा बहुत खा सकते हो, केला खा सकते हो, अनार खा सकते हो, इतनी सी बात है। फिर अब क्या किया, अब यहाँ किसने भेजा? यहाँ पे मैं तो आपका ही भक्त हूँ स्वामी जी, मैं आपकी तरह बनना ही चाहता हूँ। मेरी तरह बनना चाहता है? मम्मी जी नहीं आने देती, मतलब बोलती है कि नहीं उस लाइन में मत जाओ। ऐसा नहीं, मतलब कि ये बोलती है कि अच्छा तू क्या करेगा वहां जाके, यहीं से कर ले बाबा की तरह बनने ऐसे ही। अच्छा, माताएं बहनें मुझसे प्यार तो बहुत करती है, लेकिन वही बात आ गई, बोले भगत सिंह की जय बोलो लेकिन भगत सिंह मत बनना। ये सुबह ही बोल रहा था ना। तो खैर बेटा, अब यहाँ कितने दिन हुए? अभी तो दूसरा ही दिन है स्वामी जी। अच्छा, अभी क्या? पहले तो बहुत दिक्कत थी, मैं जो भी खाता था सब बाहर ही जाता था, अब तो एक दो बार ही जाता हूँ बस। दो दिन में ही काम होगा तो कितना, क्या क्या किया यहाँ पर जो दो दिन में इतना ठीक हो गया? नहीं, वो पहले की बात है, जब दवाई स्टार्ट की थी जब 2018 में, ऐसी स्थिति थी ना। अब यहाँ आने के बाद अब ठीक है? हाँ जी, हाँ, अब तो खुद अपने आप को थोड़ा और बेटर करने के लिए आया हुआ है। जी जी, पूरी तरह ठीक करने के लिए आया हूँ, पूरा ठीक हो जाएगा। चलो आशीर्वाद बेटा, बैठो। ये मैंने क्यों बोला थोड़ा सा आपको, कितना ही बैंकर कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, और चाहे उसको ऑटोमेन डिजीज की भी नाम दे दिया गया, अब इसमें कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक तो सिंड्रोम और एक है ऑटोमेन डिजीज, ये दो नाम तो ऐसे हैं आदमी को डरा देते हैं। सिंड्रोम सिंड्रोम करके आदमी को अलग लगता है, और मेरे को क्या हो गया, और फिर उसमें एक एक बीमारी के बारे में इतना कुछ लिख डालते हैं, और आजकल सब बच्चे नेट के ऊपर जाके पढ़ते हैं, फिर कहते हैं इसकी तो पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं। चलो सीधे बैठो, अनुलोम विलोम करो सब, अब सबको अनुलोम विलोम करना है, अलग अलग नहीं। चलो ऐसे ही एक बीमारी के ऊपर थोड़ा सा बोला, कल मैं इंडिया टीवी का प्रोग्राम था तो मैं बात कर रहा था वेरिकोज वेंस के बारे में। वेरिकोज वेंस जिनको भी था यहां पर सबको, किसी को तो 100% दो दो दिन में, पांच पांच दस दस साल की बीमारी, दो दो तीन तीन दिन में वेरिकोज वेंस ठीक। क्या किया, ज्यादा दर्द था उन्होंने पीड़ा ले लिया, थोड़ा दर्द था उन्होंने किसी ने चंद्र प्रभाव टी, किसी ने गोक्षरादि पुनर्नवादी गूगल ले लिया, प्राणायाम पूरा किया और शुद्धि सफाई ये पूरी कर ली, वेट कम कर लिया। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई दिक्कतें थी, एक तो बहन उसका तो मैंने कल डांस भी करवाया, डांस करती थी और बोलती कि स्वामी जी मैं तो ये जो है इतनी, मतलब डांस करते करते भी मेरे को ये बीमारी हो गई थी, अब यहाँ तो आने के बाद पता ही नहीं लगा कब खत्म हो गई, किधर है वो डांस करने वाली, चले गए वो कल। अच्छा, आज जाने वाले थे, निकल गए वो सब। वेरिकोज वेंस ठीक, सिंपल सी चीजें हैं। सामान्य रूप से तो मिट्टी का और कपूर का लेप कराते, लेकिन उसमें हल्दी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, शिलाजीत, गूगल, सलाई गूगल और मिला लो, तो लेप लगा करके एक घंटे तक, फिर उसमें लपेट लगा देते हैं। लपेट मामला, लपेट में बहुत बीमारियों को लपेटे में लेते हैं यार, बहुत तरह के लपेट लगाते हैं, तो इसकी लपेट लगाते हैं। चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा उसमें खुजली आदि भी होने लगती है तो कैशोर गूगल भी दे देते हैं। खाने के बाद खाली पेट कायाकल्प और पुनर्नवा मंडूर, कायाकल्प पट्टी, पुनर्नवा मंडूर, दो दो गोली सुबह शाम, पुनर्नवा और गिलोय गोखरू के क्वाथ के साथ, गिलोय और गोखरू का और पुनर्नवा का क्वाथ, ये क्वाथ भी बड़ा जबरदस्त होता है अलग अलग औषधियों का। और जो है ज्यादा दर्द होता है तो किसी किसी को पीड़ा नील भी दे देते हैं, तो सार्वभौमिक है। तो बाकी उसके लिए थोड़े थोड़े उपाय बताते हैं कि भाई ज़्यादा ही है तो थोड़ा तकिया रख कर, पैरों की तरफ तकिया रख करके सो जाओ, बहुतों को नींद ही नहीं आती उसमें, फिर तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तकिया, नहीं तो थोड़ा ऐसा कंबल सा रख लो कि ज़्यादा ऊंचा नीचा भी ना लगे और नींद भी आ जाए आपको, नहीं तो थोड़ी देर 5 मिनट तक पैरों को ऐसे अर्धलासन करके रख लो, जो सब करके रख सकते हैं।
और जो है पैरों को आगे पीछे दबाने वाला सूक्ष्म व्यायाम, कपाल भाती अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा फायदे करते हैं, वेरिकोज वेंस में, फाइलेरिया में भी, पायरिया में भी, ऐसे। खैर अभी एक पूछ लेता हूँ, फिर अगला पूछ बताऊंगा। बाकी तो आपको काफी मैंने बताया हुआ है, काफी बीमारियों के बारे में और भी बताएंगे, अलग अलग बीमारियों के बारे में बहुत कुछ पहले भी बोला है, आगे भी आपको बोलते ही रहते हैं। आप में कितने ऐसे लोग हैं जो पहले कोरोना पॉजिटिव हुए और बाद में नेगेटिव होकर के फिर यहाँ पर आए हुए हैं? कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होकर के आए हुए, एक बार हाथ उठाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नीचे कर लो। वैसे तो एंटीबॉडी चेक करवाएंगे ना, तो करीब 10% लोग में एंटीबॉडी होकर के ठीक भी हो गए, पता ही नहीं लगा। लेकिन यहाँ 10-15 तो ऐसे आए हुए हैं जो कोरोना पहले पॉजिटिव थे, बाद में नेगेटिव हो गए। इसमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने एलोपैथी की बिना मदद लिए खाली योग आयुर्वेद से अपने आप को ठीक कर लिया? वो खड़े हो जाना जरा, जोरदार है। एक तो यही खड़े हो गए, और एलोपैथी की मदद नहीं लेनी पड़ी और योग आयुर्वेद से अपने आप को ठीक कर लिया, जरा इनसे पूछते हैं। चलो अनुलोम विलोम करो, और अभी तो कॉम्प्लिकेशंस इसके बहुत खतरनाक आ रहे हैं जी। ओम गुरु जी। ओम। कब हुआ था, कैसे हुआ था बताओ? मेरे को 28 जून को हुआ था कोरोना पॉजिटिव। अच्छा, काफी पहले वाले में। हाँ जी। और उसके बाद में मैं घर में ही खाली इम्यूनिटी बढ़ाने की जो आपकी आयुर्वेद की दवाएं हैं वही लेके मैंने ठीक किया है। गिलोय और अश्वगंधा वो सब? हाँ जी, गिलोय, आपका गिलोय रस में सुबह सुबह खाली पेट लेता था, और जो काढ़ा वगैरह था वो सब लिया था। कितने दिन में नेगेटिव आ गए थे? 17 दिन में नेगेटिव आया, 17 डेज। तो इसका मतलब प्रकोप अच्छा था? हाँ, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये अंदर अंदर ना असर करता है। अभी कोरोना के बाद लोगों को लंग की प्रॉब्लम, पेट की बीमारियां, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपको अभी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? हाँ गुरु जी, मेरे को कोरोना के टाइम में मोशन लूज होता था, वो अभी भी लूज ही होता है। देखो ये पेट के ऊपर असर कर गया, ये कोरोना लंग के ऊपर, पेट के ऊपर, और तो कोई दिक्कत नहीं है? बस और तो मेरे को नींद नहीं आती है, ये दिक्कत ही तो है। बस नींद तो बहुत बड़ी चीज है, 6 घंटा जो नहीं सोएगा वो दिक्कत आएगी। मैं 5 साल से योगराम आ रहा हूँ, मेरे को नींद की प्रॉब्लम ऐसा ही रहती है, अभी तक ठीक नहीं हुई। लेकिन चल इस बार तेरे नींद की प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन बताते हैं। अब देखो छोटी सी बीमारी है नींद। लहसुन प्याज खाते हो कि नहीं खाते? खाता हूँ गुरु जी। प्याज कच्ची खाते हो खाने में? हाँ लेता हूँ। रोज 2 प्याज खाया करो, एक दोपहर को एक शाम को। ठीक है। चबा चबा के खाना। ठीक है गुरु जी। और मेधावटी लिया करो। ठीक है। मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम। खाली पेट लेना? ना ना, खाने के पहले। रात को तो खाने के, खाना रात का जल्दी खा लो, है ना? ठीक है। और खाने सोने से 1 घंटे पहले ले लो, 1 घंटे बाद में आप जाग ही नहीं सकते। ये नींद के लिए बताया आपने? हाँ। ठीक है। मेधावटी। हाँ जी। और जो है प्याज, प्याज को बहुत बड़ी औषध बताया आयुर्वेद में, अनिद्रा के लिए सबसे बड़ी। और आपको पता है पायलट्स को ये कम से कम 6 घंटा यदि उसने प्याज खा रखा है और यदि उसको जहाज चला रहा है तो उसके ऊपर बहुत भयंकर जुर्माना है, क्योंकि कभी भी सो सकता है प्याज खाने वाला। ये एक रूल्स है, ये पूरे दुनिया में रूल बना हुआ है, कोई भी पायलट जहाज चलाने से पहले एक तो दारू नहीं पी सकता और एक प्याज नहीं खा सकता। रूल, कभी भी नींद आ सकती है। वैसे मैं प्याज खाता नहीं हूँ, लहसुन प्याज हम लोग यहाँ ऐसे जनरल प्रैक्टिस में यूज नहीं करते हैं। बचपन में हमने बहुत प्याज खाया हुआ है, जब ये बहुत आयुर्वेद में इसकी महिमा सुनी तो एक दिन मैंने प्याज खा लिया तो बैठे बैठे ही सो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक। कुछ काम कर रहा था, फोन उठाऊं तो फोन नीचे, पेन उठाऊं तो कुछ का कुछ लिखा जाए। मैंने कहा ये हो क्या गया, नशा किसका हो गया? तो बाद वो प्याज का इतनी महिमा है। तो प्याज बहुत अच्छी औषधि है, चबा चबा करके उसको खाना, पका करके प्याज नहीं खाना चाहिए,
कच्चा पूरा चबा चबा के खाओ, और ये जो और ये अंगुली दबा लो थोड़ा, कौन चिट्टी अंगुली, ये छोटी अंगुली के पास वाली, अच्छा जी, जिसमें रिंग फिंगर, ठीक है, शादी की अंगूठी इसीलिए पहनाते हैं, हाँ जी, कि अब नींद गायब होने वाली है पहले इलाज भी साथ में हो जाए। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन उसका मतलब यह है कि ये कंट्रोल करता है उसको, है ना। छह प्रणाम गुरु जी, खुश रहो। इधर भी तुमने भी तुमको कब हुआ था? ओम गुरु जी, मुझे पिछले महीने 20 तारीख को हुआ था। अच्छा, फिर कितने दिन में ठीक किया? लगभग 15 दिन में ठीक हो गया था। 7 से 15 दिन लग जाते हैं अलग अलग लोगों को, वैसे तो 70% लोगों का 7 दिन में, बाकी 30% लोगों को 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और मैंने 20वें दिन एंटीबॉडी टेस्ट कराया था, वो मेरे पे एंटीबॉडीज डेवलप्ड है। तो एंटीबॉडी तो अपने आप ही डेवलप हो गए। फिर क्या क्या खाया था? मुझे जब बुखार हुआ था पहले 5 दिन, तो मैंने ज्वार वटी जो अपनी है वो, ज्वार घनवटी, हाँ हाँ जी, और गले में जैसे खराश रहती थी तो श्वास वटी ली, और कोरोना किट ली मैंने, कोरोना किट और श्वास आ रही, तो ठीक हो गए। अब कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? कोई किसी किस्म से कोई नहीं, स्मेल भी नहीं गई और टेस्ट भी नहीं गया मेरा। हाँ, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते आयुर्वेद से। अब इनके पास तो कोई दवाई नहीं है एलोपैथी वालों के पास, और फिर भी कोरोनिल को कोसते रहते हैं, और डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने से पहले कोरोनिल और श्वासारी खा के जाते हैं। उसको पता है भाई इम्यूनिटी बढ़ेगी, लंग अच्छा रहेगा, उससे लड़ने की ताकत तो मिलेगी, तो खा लो। चलो बैठो बैठो, बहुत आशीर्वाद। जिनको कोरोना के कारण से कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उठना, कोरोना के कारण से जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस एक तो इसी बहन को है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं कोरोना के, पेट के ऊपर, लंग के ऊपर, दिमाग के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो आज हम, ये अभी कोरोना का प्रकोप और भयंकर बढ़ रहा है, अभी भयंकर प्रकोप चल रहा है इस समय, पूरे लोग पागल हैं हमारे यहाँ। जब 500 रोगी थे तब पूरा देश लॉकडाउन में था, अब लाखों करोड़ों घूम रहे हैं और परवाह ही नहीं है, और करोड़ों संक्रमित हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत है जी। क्या क्या तकलीफ है? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, मेरे को 13 सितंबर को हुआ था कोरोना, और उसके बाद 17 दिन बाद टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया था जी। गुरु जी और तो सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन मेरे को स्मेल नहीं आती अभी भी नहीं आ रही? नहीं सर। तो अभी वो अणुतेल डाला? नो सर। क्यों नहीं डाला? और वो श्वासारी खाई, कोरोनिल खाया जी? तो अणुतेल डालो अभी, है ना यार, यहीं से मिल जाएगा, रोज डालना। ठीक है गुरु जी। और जल नेति कर लेना? वो तो 4 दिन से रोज कर रही हूँ सर। हाँ, तो अभी अणुतेल भी डालो और जननेती भी करो, और ये पॉइंट दबाओ, है ना, स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है। नहीं तो ये कई बार लगता है जिंदगी भर ही पता ही नहीं लगेगा फिर, ना हींग का पता, ना जीरे का पता, ना हल्दी का पता। ना कोई इधर उधर से पटाखे बम छोड़ रहा है उसका पता। सर ये नहीं, हमारे पड़ोस में एक दिन फोरट छिड़की थी, उसकी भी स्मेल नहीं आई मेरे को। किसकी? सर फोरट। अच्छा, वो का कीटनाशक सर, वो सांप गुहेरे वगैरह भाग जाते हैं ना उससे। सांप गुहेरे वगैरह भाग जाते हैं इसके, वो उस वो भी सर। इसको सुंग आई नहीं तो इसको लगा ये क्या हो गया। अब आपकी आ जाएगी, है ना, क्या नाम है आपको? सर सरला देवी। कहाँ से हो? सर गुरुग्राम से। गुरुग्राम से, ठीक है सरला, तेरे को गंध ला करके भेजेंगे। धन्यवाद गुरु जी। ठीक, ये भी असर आ जाता है ना, ठीक हो जाएगा ये, है ना। और जिनको भी आज ये कोरोना के कम होकर के जो ठीक हो चुके हैं, उनको अभी मैं लेकर के इधर तालाब के किनारे आज योग कराने वाला हूं, तो जिनको कोरोना होकर के जो ठीक हो गए सभी खड़े हो जाओ एक बार, हा? तो तुमको वहां भी योग कराएंगे, प्राणायाम आसन बहुत कुछ करवाएंगे तुम। चलो बाहर निकलो, बाकी कोई नहीं निकलेगा, नहीं तो बहुत लोग निकल जाते, पहचान में नहीं आते। इसको बिटिया को कुछ कहना है? हाँ, अनुलोम विलोम करो। गुरुजी, हाँ गुरुजी, मेरे को 27 जून को पॉजिटिव आया था।
और उसके बाद से भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिशर्स की दिक्कत है और पेट में या दर्द रहता है। क्या नाम बेटा? सुरभि। सुरभि, चलो तुमको तो अभी वहीं तालाब के किनारे भी योग करवा रहा हूँ अभी यहाँ। लेकिन ये सारी चीज़ें बेटा तेरी तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल सिंपल सी हैं। ये अभी कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ तीसरा दिन है। ये 6-7 दिन में पूरा ठीक करके भेज देंगे तेरे को सुरभि। संजीवनी दूधी रस दे रहे हैं। हाँ वो लो, बहुत अच्छा है। और अनार भी लो आप, है ना बेटा। और बॉइल्ड वेजिटेबल्स आपको लेना है। हाँ जी गुरु। और बाकी और पका हुआ ज़्यादा नहीं खाना कुछ भी, है ना? ठीक है। बिल्कुल उपवास आदि कराएंगे आपको, संघ प्रक्षालन करवाएंगे, पूरा ठीक करके भेज देंगे आपको। ठीक है। ये बहुत दिक्कतें हैं किसी ज़्यादातर लोगों को पेट की, फिर फेफड़े में लम्ब्स आदि तक हो जाते हैं। केवल कोरोना वालों को मैंने बोला है, बाकी कोई नहीं उठेगा अभी। हाँ चलो आप निकलो बाहर, इधर गाड़ी खड़ी है उसमें बैठो आप। ये अनुलोम विलोम आप लोग पूरा नहीं करते हो, देखो कपाल भाति में तो फिर भी निभा लेते हो। पैर सामने खोलो, देखो आपको क्या पूछना है बेटा। आगे पीछे दबाओ पैरों को, उंगलियों को, अंगूठों को। जिनको आर्थराइटिस है ना वो तो 100-100 बार किया करो। देखो एक मूल सिद्धांत समझ लो, योग पूरा करो, आयुर्वेद की जो औषधियां जरूरत है, 1-2 बीमारियों को, ज्यादा से ज्यादा 3 बीमारियों को पहले ठीक करो, जिनको थोक में बीमारियां हैं। ज्यादा बीमारियों के चक्कर में मत पड़ो। योग आयुर्वेद से प्राकृतिक चिकित्सा से जब बॉडी राइट ट्रैक पर आती है तो अपने आप बीमारियां खत्म हो जाती है। जी बेटा। स्वामी जी ओम। ओम बेटा। स्वामी जी आज हम जाने वाले हैं लेकिन हमको 15 दिन और रुकना है, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिल रही, योग ग्राम में और कमरे बनवा दे। क्या नाम बेटा? श्वेता शर्मा। पूरी फैमिली आई है स्वामी जी, आपसे मिले थे पहले भी। हाँ क्या क्या तकलीफ है? मुझे यूरिन इन्फेक्शन है, मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है और पापा को फैटी लीवर है, शुगर है। तो सबको फायदा तो हो रहा है ना बेटा? अभी मतलब इतने अच्छे से शुरुआत नहीं हुई इसलिए और रुकना है, यहाँ से शुरुआत हो जाए तो अच्छे से ठीक हो जाएंगे घर पे। शुरुआत तो हो गई है। हाँ। अब उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखो और दवाई भी नहीं मिली है ना सारी, इसलिए थोड़ा। क्या क्या नहीं मिली? लिवोग्रिट। लिवोग्रिट आ गई है और आ गई, अभी अभी मेरे कमरे में रखी हुई है। अब ये क्या है, नई नई दवाइयां बनाई है ना, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनती थी, अब लोग जो जाते हैं ना वो थैला भर के ले जाते हैं। अभी मैंने कल से उसके ऊपर रोक लगाई है कि अभी इनको 1 महीने से ज्यादा किसी को 15 दिन से ज्यादा दवाई मत भेजो, बाकी कोरियर से भेज देंगे। और तेरा क्या हाल है बेटा? मेरा ठीक है स्वामी जी, अभी इसका दर्द खत्म हो गया एकदम, ये ठीक हो रही है। ये भी थी गांठ है ना यहाँ पे हाथ पे। हाँ हाथ पे गांठ थी। हाँ हाँ स्वामी जी। और यूरिन इन्फेक्शन भी अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो ठीक हो रहा है तो हो जाएगी, अब जो रास्ता बताया उसको चलते रहो। है ना, गोखरू का काढ़ा पी लेना। और ट्राइगन वटी भी आ गई है तुम्हारी? हाँ ले ली वो तो। ले लिया ना? बस ठीक हो जाओगे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, फिर दोबारा बुला लेंगे। अभी लोग इतने आ गए ना, फिर वो जगह अब थोड़ी सी है। कल पूज्य आचार्य जी आए थे, बोला आचार्य जी स्वामी जी आपके लिए ना ऐसा करता हूँ 2-3 हजार कमरे यहीं बना देता हूँ, यहीं रहो योग ग्राम में आप। मैंने ये अच्छा आपने मेरा नया ठिकाना बना दिया। तो यहाँ सच में लोगों की बहुत जरूरत है, लोगों को। अब यहाँ पहले हमने छोटा बनाया एक और, फिर 1 में नहीं समाये तो 2 बनाने पड़े, पहले तो लगता था इतना ही पूरा हो जाएगा। और स्वामी जी मम्मी को वाल के लिए क्या करना है, 2 बार हो चुका है ऑपरेशन। वाल के लिए बेटा आराम आराम से प्राणायाम करेंगे, और जो चीजें बताई है ना, कार्डियोग्रिट भी आ गई है और हृदय अमृत, वो दोनों लेती रहेंगी। कार्डियोग्रेट खाली पेट, हृदय अमृत खाने के बाद, है ना। अर्जुन की छाल की चाय पियेंगी दालचीनी के साथ, है ना, बाकी चाय कॉफी सब बंद। तो ये चीजें कंटिन्यू करेंगे तो बेटा ठीक हो जाएंगे। और तुम्हारा पिता का पिताजी कहाँ है तुम्हारा? ये रहे। ए पापा जी, स्वामी जी तेरा फैटी लिवर का क्या हाल है? अभी तो ऐसे ही है जी, दोबारा टेस्ट करवाऊंगा तब पता चलेगा। नहीं वो तो तेरे को थोड़ी दिखता है कि फैटी हो रखा है कि क्या हो रखा है। अभी लक्षण कैसे हैं? लक्षण में खास क्या क्या तकलीफ हो रही थी फैटी लीवर से?
मुझे नहीं पता था जी फैटी लीवर है, यहीं आके पता चला था। हाँ। लेकिन तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं हो रही। तो फिर वो ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फैटी लीवर सबका ठीक होता है, सुन लो। हमने पहले और करीब एक दो सप्ताह जिनको रोका उनका सबका टेस्ट किया हमने, सबका फैटी लीवर 100% अच्छा होता है। मात्र सर्वकल्प क्वाथ पीने से, लिवोग्रिट और लिवामृत लेने से, और जो खान पान की यहाँ व्यवस्था देते हैं, सबका 100% ठीक होता है। तो इसमें तो कई बार क्या लक्षणों का आपको तो पता ही नहीं लगता कि अंदर से फैटी लीवर हो रखा है, वो टेस्ट कराते हैं तब पता लगता है। हाँ, पहले पता नहीं था स्वामी जी, यहीं आके पता चला। सामान्य रूप से तो पेट में जो इंडाइजेशन आदि होता है इतना ही पता लगता है, और बाद में पता लगता है जब टेस्ट करते हैं कि ये तो फैटी लीवर है। एसजीओटी एसजीपीटी सामान्य रूप से बढ़ जाता है, और फिर शुगर ठीक है मेरी। हाँ, शुगर तो कोई नहीं, शुगर तो कंट्रोल हो गई। हाँ, शुगर कंट्रोल हो गई स्वामी जी। बस तो फैटी लीवर भी तेरा अंदर से ठीक हो रहा है, जैसे पहले पता नहीं था, अभी ठीक होने का भी ऐसे नहीं पता लगेगा, टेस्ट कराएंगे तो ठीक मिलेगा। ठीक है स्वामी। कितने महीने गोली लेनी पड़ेगी लीवर? ये 2-3 महीना, 2-3 महीने में हो जाएगा पूरा। फिर बस चीजों को खान पान में कंट्रोल रखना। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये ज्यादा दिन को अभी ठहरने की तो बहुतों को इच्छा है। अब यहां जो आ गए और जो जिनको बहुत क्रिटिकल बीमारियां हैं, 10-20-50% अलग अलग बीमारियों में लाभ होता है, जो बहुत ही क्रिटिकल बीमारियां हैं, तो फिर वो तो सोचते हैं कि समझी ठीक ही होकर के जाएंगे। हेलो, कहीं भी रख लो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, मुझे कोलाइटिस 6 सालों से है, और मैं यहाँ आए भी 3 दिन हुए हैं मुझे, और डॉक्टर ने मुझे कुटस घनवटी मना कर दिया है लेने के लिए। अनार भी मेरी डाइट में नहीं है, सौंफ का पानी लेना होता है। क्यों नहीं है? अब पता नहीं, इसलिए मुझे रिलीफ नहीं मिल रही है बिल्कुल, और म्यूकस ज्यादा आता है, ब्लीडिंग भी हुई है मुझे, एनीमा लगने के तीसरे दिन मुझे काफी ब्लड आया है। कोई नहीं, उस डॉक्टर को भी समझा देंगे, आप ले लेना बेटा, है ना। तो आपको कुटज घनवटी ले लो, है ना। और अनार भी ले रहे हो? नहीं, डाइट में नहीं है अनार मेरे। इधर आगे आ जाओ, बॉइल्ड एप्पल। आप अपना वो लिया, पर्चा लिया, उसमें अनार भी लिख देते हैं, कुटज घनवटी भी लिख देते हैं। देखो, जिनके भी ये अभी बोला हुआ है हमने, वैसे कल मैंने डॉक्टरों की मीटिंग भी ली है कि भाई जो है चीजों को, ये कुछ चीजें ऐसी होती है, इनको तो डाइट में हमें, जैसे कोलाइटिस आदि की इसकी डाइट में तो ये कुटस घनवटी अनार ये कंपल्सरी है। चलो बटरफ्लाई कर लो। पूज्य आचार्य जी से भी आपकी कल मैंने बात करा दी, मेरे से आचार्य जी बोले आप तो जो है मेरे को बैठा दिए और फिर आप चले गए। मैंने कहा फिर आप दोनों बैठ के क्या करेंगे, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, आप यहाँ मिलो। तो पूज्य आचार्य जी ने भी कल आकर के सबको 2 घंटा आशीर्वाद दिया, खूब मार्गदर्शन दिया, दर्शन भी दे दिया और मार्गदर्शन भी दे दिया। तो देखो, अब आपको जिनको जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए छोटा मोटा कोई करेक्शन होता है, उसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। हमको कई चीज़ें एक साथ करनी पड़ रही हैं यहाँ पर,